मायावती ने लगाए ईवीएम पे गड़बड़ी के आरोप। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 8 लोकसभा सीटों के लिए गुरुवार को हुए मतदान के दौरान चुनाव आयोग से इन अनियमितताओं को पूरी गंभीरता से संज्ञान लेकर समाधान निकालने की मांग की है। मायावती ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा है कि कल पहले चरण के मतदानों के दौरान वह दक्षिणी भारत के चुनावों के दौरे पर थी, तभी उन्हें सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश को पुलिस व प्रशासन अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। अनेकों बूथों पे ईवीएम में गड़बड़ी मिली है। इसका नतीजा था कि हाथी तो बसपा का बटन दबाया जा रहा था पर वोट कमल को जा रहा था। उन्होंने कहा कि बसपा ने तुरंत इसकी सूचना मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली तथा अन्य सभी संबंधित प्रधान लिखित एवं दूरभाष के द्वारा मायावती ने आरोप लगाया कि ईवीएम में हुई गड़बड़ी को बेहद गंभीर थी। हाथी का बटन दबाने पर वोट भाजपा के खाते में पड़ रहे थे, ऐसा कई बार हुआ। बयान में कहा गया है कि इस तरह की एक घटना बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में मीरापुर विधानसभा में कसौली बूथ में 16 पर हुई। बूथ पर बसपा के पोलिंग एजेंट ने जब अपना हाथी को वोट डाला तो कमल पर पड़ा। शिकायत करने पर वहां मौजूद सरकारी प्रवेशों तथा माना अधिकतर वोट पड़ रहे थे पर जा रहा था कमल को। शिकायत करने पर वहां मौजूद सरकारी कर्मचारियों ने माना कि मशीन में गड़बड़ी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई मतदान केंद्रों पर दलितों को बूथ पर जाने से रोका गया, बल का प्रयोग भी हुआ। इस गंभीर घटनाओं के संबंध में पार्टी की तरफ से महासचिव सतीश चंद मिश्रा ने चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को शिकायत की। इससे पहले कि मायावती ने आज ट्वीट पर किया कि सत्ताधारी बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में आम जनता द्वारा बुरी तरह से नकारे जाने का ही परिणाम है कि अब बीजेपी वोट से नहीं बल्कि नोटों से ईवीएम की धांधली से पुलिस प्रशासन के तंत्र में दुरुपयोग कर रही है। ईवीएम में चुनाव पे कर्मचारियों से भी बटन दबाकर आदि धांधली को चुनाव जीतना चाहती है। चुनाव आयोग की इस संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि वह इन बातों पे गंभीरता से संज्ञान ले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।